नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। आज हम लोग कक्षा 11 की केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। कक्षा 11 की केमिस्ट्री पढ़ने से पहले विज्ञान की परिभाषा और रसायन विज्ञान की परिभाषा जानना ज़रूरी है। जैसा कि हम लोग 4-5 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, किसी भी प्रक्रिया अथवा पदार्थ के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध विस्तृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को सुगम बनाने के लिए तथा उसका अध्ययन आसान करने के लिए विज्ञान को कई शाखाओं में बांटा गया है, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं। उनके अंतर्गत रसायन विज्ञान भी आता है, जिसका अध्ययन हम आज करेंगे। तो विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएँ पहले देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहला हो गया आपका भूविज्ञान, खगोल विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, एवं रसायन विज्ञान। तो हम लोगों को पढ़ना है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान पढ़ने से पहले इसकी डेफिनेशन जानना ज़रूरी है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उनकी संरचना, संगठन तथा उनकी रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संरचना, संगठन तथा उनकी रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो आप रसायन विज्ञान की परिभाषा भी लिख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। अब रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में हम कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ग्रीक भाषा का शब्द है। केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमिया नामक शब्द से हुई है, जो कि मिस्र देश का प्राचीन नाम है। मिस्र देश का प्राचीन नाम केमिया था, तो इसी से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि केमिस्ट्री का उदय या उद्भव मिस्र से ही हुआ है। केमिस्ट्री के पिता के नाम से जाने जाते हैं वर्जीलियस। वर्जीलियस रसायन विज्ञान के पितामह माने जाते हैं और लाओसिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए लावासिए को आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। रसायन विज्ञान के अध्ययन को और भी सरल बनाने के लिए इसे भी कई अन्य शाखाओं में बांटा गया, जिसमें से कुछ प्रमुख शाखाएं हम लोग देख लेते हैं। प्रमुख शाखाओं में अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, जैव रसायन, कृषि रसायन एवं औद्योगिक रसायन है। हमें अपने सिलेबस में इन्हीं तीन रसायनों का अध्ययन करना है, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन एवं भौतिक रसायन का। तो सबसे पहले आज हमने पढ़ना है अकार्बनिक रसायन का फर्स्ट चैप्टर, रसायन की मूल अवधारणाएं, जिसमें हमने अब तक पढ़ लिया
रसायन विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान की परिभाषा, रसायन विज्ञान के जनक एवं रसायन विज्ञान के क्षेत्र के बारे में। अब रसायन विज्ञान के कुछ प्रमुख उपयोगों के बारे में हम पढ़ लें। रसायन विज्ञान का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? रसायन विज्ञान का उपयोग पहला आपका हो जाता है कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरक, खादें जो हम इस्तेमाल करते हैं, सब रसायनों से बनी होती हैं। उन्नत किस्म के बीज, गेहूं के, धान के, ये सब रसायनों के उपयोग से ही बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की खादें, कीटनाशक दवाएं, ये सभी चीज़ें रसायनों से ही बनाई जाती हैं। उद्योगों के क्षेत्र में भी रसायन विज्ञान का विशिष्ट योगदान रहा है। जैसे सीमेंट हो गया, सीमेंट उद्योग में रसायन विज्ञान का बहुत महत्व है। सीमेंट हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, इन सभी चीज़ों में रसायनों का यूज किया जाता है। औषधियों में लगभग आप जानते हैं कि 100% दवाएं जो होती हैं केमिकल से ही बनी होती हैं, तो औषधियों के क्षेत्र में भी रसायन विज्ञान का विशिष्ट योगदान रहा है। परिवहन के क्षेत्र में जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला, इन सभी चीज़ों में रसायन का उपयोग होता है। प्रदूषण नियंत्रण में भी रसायन विज्ञान का काफ़ी योगदान रहा है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है पदार्थ की प्रकृति एवं इसका वर्गीकरण। पदार्थ या द्रव्य, जिसकी परिभाषा हम नव से ही जानते हैं कि पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान या भार होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। जैसे कापी हो गई, किताब, पेन, इन सभी चीज़ों में द्रव्यमान या भार भी होता है और ये स्थान भी घेरते हैं, तो इसलिए इन सभी चीज़ों को हम कह सकते हैं कि ये द्रव्य हैं। प्रकृति में लगभग सभी चीज़ें द्रव्य हैं। द्रव्यों का भौतिक वर्गीकरण, जैसा कि हम जानते हैं कि पदार्थ की मूलभूत तीन अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य या पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरी अवस्था होती है गैस। ठोस अवस्था को हम पहले जानेंगे। द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाती है। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाती है, तथा इनके कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है और इनके कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है, इसलिए ये ज़्यादा मजबूत होते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाता है लकड़ी, लोहा, ईंट, बर्फ आदि ठोसों के उदाहरण हो जाते हैं। दूसरी अवस्था हमारी है द्रव। द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। इनके कणों के बीच आकर्षण बल कम लगता है अथवा दुर्बल होता है। इसका उदाहरण आपका हो जाता है जल, तेल, जल, तेल, डीजल, पेट्रोल आदि। तीसरी अवस्था हो जाती है गैस। गैसों में क्या होता है, ना तो इनका आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होते हैं तथा इनके कणों के बीच आकर्षण बल एकदम कम होता है, लगभग शून्य के बराबर। इन पर बाह्य दाब लगाकर इनके मध्य आकर्षण बल बढ़ाया जा सकता है। इनके कणों के बीच रिक्त स्थान भी बहुत अधिक होता है, अतः इनमें आकर्षण बल भी कम लगता है। इसका उदाहरण आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा वायु। ये सभी गैसें हैं। हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन तथा वायु। अब हम पढ़ेंगे गैस तथा वाष्प में अंतर। गैस क्या है और वाष्प क्या है? गैस तथा वाष्प में अंतर। साधारण ताप पर गैसीय अवस्था में रहने वाली वस्तुओं को गैस कहते हैं। साधारण ताप पर गैसीय अवस्था में रहने वाले किसी भी पदार्थ को हम गैस कह सकते हैं, जबकि साधारण ताप पर किसी अन्य अवस्था में तथा उच्च ताप पर गैस अवस्था में बदलने वाले पदार्थ को वाष्प कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि साधारण ताप पर गैसीय अवस्था में रहने वाला पदार्थ गैस कहलाता है, जबकि साधारण ताप पर अन्य अवस्था तथा उच्च ताप पर गैस अवस्था में रहने वाले पदार्थ को वाष्प कहते हैं। तत्वों का रासायनिक वर्गीकरण। तत्व तीन प्रकार के होते हैं प्रमुख रूप से, धातु, अधातु एवं उपधातु। तो धातु क्या होते हैं? वह तत्व जो विद्युत धनात्मक होते हैं तथा धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। वह तत्व या पदार्थ जो विद्युत धनात्मक होते हैं एवं धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं, धातु कहलाते हैं। अब धात्विक लक्षण क्या है? धात्विक लक्षण में होता है धातुएं चमकदार होती हैं, अर्थात धातुओं में चमक होती है। दूसरा लक्षण हो जाता है आघात वर्धनीय होती हैं, अर्थात इन्हें पीट कर बढ़ाया जा सकता है। ये विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अर्थात इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। इसका उदाहरण आपका हो जाएगा सोना, चांदी, तांबा आदि। सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम आदि धातुएं हैं। अब अधातु वह तत्व होते हैं जो अधात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अधातु वह तत्व या पदार्थ जो अधात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अधातु कहलाते हैं। अधात्विक लक्षण में आपका हो जाता है चमकदार जैसे होती थी धातुएं, तो ये चमकहीन होंगी, मतलब इनमें चमक नहीं होगी। दूसरा, आघात वर्धनीय नहीं होंगी, और विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती थी धातुएं, जबकि ये क्या होगा कि विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होगा, इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि अधातुओं के उदाहरण हैं। अब हमें पढ़ना है उपधातु। उपधातु क्या होते हैं? वह तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। उपधातुएं
बहुत ज़्यादा नहीं है, जिनमें से कुछ प्रमुख उपधातुएँ दो तीन हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। उपधातु वह तत्व हैं जिनमें धातु, अधातु तथा धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातुएँ कहलाती हैं। जैसे कि ये प्रमुख रूप से छः होती हैं, छः उपधातुएँ हैं जिनमें से कुछ हम लिख लेते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।